हेलो ट्रेडर्स, तो हमने आज कैप्चर किए 70 पॉइंट्स 2 तारीख को। चलिए अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी रिसर्च एंड एनालिसिस की। ओके, ये रहा बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का स्पॉट चार्ट। आज 2 मई को क्या हुआ ये बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी खुला अच्छा खासा गैप डाउन पर, वहाँ से उसने अच्छी खासी रिकवरी दी। रिकवरी कहाँ तक थी? जो हमारा प्रीवियस डे का हमारा लो था वहाँ तक दी। इससे पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंस है जो हम लोग हमेशा, जो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, जो हम लोग का डे का लो रहा होता है उसका इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा आपको यहाँ पे। तो इसने रिकवरी दी पूरे हमारे डे के लो तक। अब इसने क्या किया, डे का लो तोड़ दिया और फिर थोड़े ऊपर तक गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से इसने रिजेक्शन ले लिया। तो हमने ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं, जहाँ पे हमें को अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने बॉक्स ड्रॉ किया जो हमारे यहाँ प्रीवियस डे का लो था और जो वहाँ से हमने आज रिजेक्शन पाया था वहाँ का। और हमने ये हमारा ये आइडिया है कि जब तक इस बॉक्स को नहीं तोड़ेगा, हमको ये इससे क्या पता चला, हमको ये पता चला इससे कि इस रीजन में जो हमारा स्पाइस रीजन है यहाँ पे अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत, शॉर्टर्स बहुत बैठे हैं, राइटर्स ऑल राइटर्स बहुत बैठे हुए हैं। तभी इससे अच्छी खासी मोमेंटम जब आ भी रहा था तभी इसको क्रॉस नहीं करने दिया। तो ये जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक एक अच्छी अपमूव की हम लोग सोच भी नहीं सकते। इसको तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तभी हम एक अपमूव के लिए हम लोग पॉजिटिव बायस में आ सकते हैं। हमने इससे ये सीखा। तुमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया था ये रीजन, फिर वहाँ से उसने रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन कहाँ तक दिया, इसने 0.8 इसने रिजेक्शन दिया। ऐसे मौक़ों पर जब हमारे पास कोई बेस ना हो कि अब एक दो ईयर ट्रेडिंग लेवल 36,000 का ऊपर ट्रेडिंग लेवल था और नीचे था 36,750 का ट्रेडिंग लेवल था। अब बीच में कहाँ तक जाएगा इसको पता लगाने के लिए एक तरीका होता है फिबोनाची का। फिबोनाची के लिए हम लोग बस इतना करते हैं कि जो हम बिल्कुल लो एंड से हाई एंड तक जाएंगे और देखेंगे, हम मैक्सिमम चांस रहता है मैक्सिमम टाइम 0.5 और 0.38 ऑन द अपसाइड 0.68। जो ये रीज़न होता है मोस्टली इन तीनों पॉइंट्स से ही रिजेक्शन मारता है। तो जितना नीचे जाएगा, जितना तोड़ेगा उतना हार्डर रिजेक्शन मिलने के चांस रहते हैं। तो इसने रिजेक्शन कहाँ से लिया, इसने रिजेक्शन लिया अराउंड 0.5 के अराउंड रिजेक्शन लिया था इसने। ऐसे वापस रिवर्सल ले लिया, अपसाइड फिफ्थ से तोड़ने की कोशिश की, फिर से तोड़ नहीं पाया, वापस आ गया उसी पॉइंट से, सस्टेन नहीं कर पाया। और इसने अब फिर से वापस जो हाफ था 0.5 तक इसने पूरा फिर से नहीं तक रिवर्सल दे के सब दिया। फिर वापस इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट देते हुए फिर से उसी पॉइंट तक गया, फिर से नहीं तोड़ पाया, फिर से बहुत देर तक रहा। आज के दिन मोस्टली जो हमारा वो था, हमारा जो मार्केट था बैंक निफ्टी पूरा रेंज बाउंड था। बिल्कुल लास्ट में अराउंड 240 के टाइम इसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया और ब्रेकआउट दिया। पर ब्रेकआउट हमने कहाँ तक दिया, जो हमारा प्रीवियसली हमारा ट्रेडिंग लेवल मार्क था 36,200 का, एग्जैक्टली वहीं तक उसने बिल्कुल मूवमेंट दिया। तो देख सकते हो जो हमने ट्रेडिंग लेवल्स ड्रॉ किए थे, मैं नहीं बोलता 100% पर 99% वो अच्छे खासे 90% बिल्कुल अच्छे काम करते हैं। जैसे कि नीचे देखिए, नीचे ट्रेडिंग लेवल कोई था नहीं, उसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, तो हम इसको भी पहचान जाएंगे। बाकी जितने हमने ट्रेडिंग लेवल्स थे वहाँ से बिल्कुल अच्छा खासा उसने सपोर्ट लेते गया। ये रहा आज की बात। अब चलिए बात करते हैं, कल तो छुट्टी है 4 तारीख की, 4 मई के दिन हमारे क्या ट्रेडिंग लेवल्स रहेंगे, हमारा हमको क्या देखना है, किस हिसाब से हमारे ट्रेड बनेंगे। आज का जो था वो तो हो गया, आज से हम बस सीख ले सकते हैं, करना तो हमको जो अगले दिन है वही करना है। तो देखिए, चेंजेस कुछ नहीं है, आज ही मार्केट ने बता दिया है कि क्या क्या लेवल्स हैं। 36,200 को जो लेवल है ना, ये हमारा ऑन अपसाइडर वाइडर लेवल बन जाएगा। जो डे का हाई था, हमने हमेशा आपको सिखाया सबसे पहले क्या मार्क करना है, सबसे पहले मार्क करना है आपको डे का हाई और सबसे पहले मार्क करना है डे का लो। डे का लो मार्क कर देते हैं जो कि 36,650 बन रहा है, 650 अराउंड है ये 600 690। ओके, तो आपको ये देखना है कि डे का, आपने डे का हाई मार्क कर दिया, डे का लो मार्क कर दिया। अब देखिए, ऑन द अपसाइड 36,200 को जो लेवल है ना, इसको जब तोड़ेगा तभी हमें पॉजिटिव बायस में आएंगे, और 36,300 के ऊपर तोड़ेगा फिर से और तो एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हम लोग कॉल के लिए। ऑन द डाउन साइड एक हम लोग नो ट्रेडिंग जोन हमारे सामने उभर के आ रहा है, उसको हम लोग वापस और लंबा खींच देंगे, जो कि 36,000 का नो ट्रेडिंग जोन है। तो इसको जब इसके नीचे हो सकता है इसमें कि ना बहुत देर तक रेंज बाउंड रहे, तो इसके आके वापस रिवर्सल लेके ऊपर जाए या फिर वापस आके
यहाँ से आके हरी खा गया, ओके आके वापस चला जाए, या फिर यहाँ से आए तोड़े और या फिर रिवर्स कन्फर्मेशन मिले, तभी हम लोग इन ट्रेड्स ये यहाँ इस लेवल पे ये दो ट्रेड्स बनेंगी, वो ट्रेड्स हम ले सकते हैं। और वो हम कब देना, हमको ओपन इंटरेस्ट प्रॉपरली देखना है कितना, जहाँ पे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी बैठा हुआ है और कैसा हो वहाँ पे कन्फर्मेशन मिल रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड्स लेंगे 4 तारीख को, 4 मई को। तो अपर साइड्स की मैंने लेवल की बात कर ली है, और डाउन साइड हम बात कर लेते हैं। डाउन साइड देख लीजिए, एक जोन खींच देता हूँ यहाँ पे, जो हमारा लोअर वीक था, ओके ये रहा, ये भी सेम टू सेम नो ट्रेडिंग जोन है। इसके बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हो, पर एक बात कहूँगा, जिस हिसाब से प्रीवियसली प्राइस एक्शन बन रखा है, तो इसके बीच में जो मूवमेंट होगा वो हो सकता है एक कैंडल में कवर हो जाए, तो आपको एक अच्छी एंट्री या फिर एग्जिट ना मिल पाए, आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ना बैठे। तो नेगेटिव में कार आना है जब ये तोड़ेगा, जब ये लेवल जो हम लोग का नो ट्रेडिंग जोन बढ़ा है 35,800 का, उसको तोड़ेगा तो एक हम लोग नेगेटिव बैलेंस में आ सकते हैं। 36,750 तोड़ेगा तो हम एक नेगेटिव ट्रेड के लिए, एक पुट के लिए बैठ सकते हैं, एक वो भी तब देखना है जब प्राइस एक्शन और हमारा ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा हो और कन्फर्मेशन मिलेगा, तभी हम एंट्री लेंगे और फिर जैसे जैसे नीचे लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्ले करेंगे। तो नियरेस्ट लेवल में हमने बता दिया आपको, ऑन द अपसाइड 36,200 तोड़ेगा, फिर ऑन द डाउन साइड 36 हमारा जो 600 का 36,000 का जो लेवल है वो तोड़ेगा, तब ये हमारा वाइडेंस होगी, तब हमको एक नेगेटिव और पॉजिटिव बायस में हमको वैसे एंट्री मिलेगी। जी तो हमारा प्राइस एक्शन हो गया, अब देख लेते हैं कि हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारे प्राइस एक्शन को। बैंक निफ्टी के लिए जाते हैं, बैंक निफ्टी खोल लिया हमने, बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट खोल लिया है, ओके देखिए ज़्यादा डिलो इंटरेस्ट है नहीं, 36,200 पे अभी भी 28,000 कौन बैठे हैं, कॉल वेटर्स बैठे हुए हैं, अभी मार्केट क्या है इसके ऊपर चल रहा है, और 36,000 पे अभी भी 55,000 कॉल वेटर्स बैठे हुए हैं। अब देखिए 36,200 पे जो कॉल वेटर्स बैठे हुए हैं वो तो लग भाई अभी क्या कर रहे हैं, इस जो यहाँ पे जो मोमेंट मिला है ना तोड़ नहीं पा रहा, वही 36,200 पे इतने जो हमारे 22,000 बैठे हैं, 28,000 ये यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान देने की बात ये है कि 36,000 पे अभी भी 55,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, मतलब कि 36,000 के ऊपर अभी निकल गया है मार्केट, तो 36,000 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ना ये लॉस में चल रहे हैं, इनका प्रीमियम अभी बहुत स्पाइक में हो रहा है। अब देखने की बात ये है कि यहाँ से इन लोगों ने एग्जिट क्यों नहीं मारा है, एग्जिट इन्होंने इसलिए नहीं मारा है, ये सिर्फ अजम्पशन है मेरा कि या तो इनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे जाएगा, या फिर इनको लगता है कि अभी अभी एक्सपायरी के लिए बहुत दिन बाकी हैं, अभी 2-3 दिन बाकी हैं, तो उतने दिनों में इनकी जो पोजीशन है वो सेफ हो सकती है, वापस मार्केट 36,000 के नीचे आ सकता है। फिलहाल 36,000 पे कि ऊपर मार्केट चल रहा है, तो 36,000 पे जो हमारे कॉल राइटर्स बैठे हैं ये अभी लॉस में चल रहे हैं, इनका प्रीमियम स्पाइक कर रहा होगा, पर अभी क्योंकि सिर्फ 200 पॉइंट्स के अराउंड ही 150 पॉइंट्स के अराउंड ही मूवमेंट चल रहा है उनके ऊपर, तो इतना लॉस में नहीं होंगे, पर अगर ये और ऊपर जाता है तो एक टाइम आएगा कि इन 36,000 पे जो ये हमारे 55,000 कॉल राइटर्स बैठे हैं इनको अपना स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा, और जब ये स्टॉप लॉस लेंगे तो ही हमको शॉर्ट कवरिंग मूव देंगे। और हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमको शॉर्ट कवरिंग मूव मिलने वाला है, हमको ध्यान देना है कि पहले तो कि ये प्राइस एक्शन जो है ये ऊपर मूव करेगा, और जब ये ऊपर की तरफ जाएगा फिर हमको देखना है कि हमको 15-10 मिनट पहले पता चल जाता है कि यहाँ से हट रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी कम दिखने लग जाएगी, तब आपको लगेगा अच्छा, तब हमको पता चल जाएगा कि अच्छा अब यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमको ऑन द अपसाइड मिलने वाला है इन जो ट्रैप कॉल राइटर्स की वजह से। ऑन द डाउन साइड 36,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं हमारे, वही 36,000 पे जो हमारे पुट राइटर्स बैठे 65,000 वही हमारे यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बाकी यहाँ पे इतने ट्रैप नहीं है जितने कॉल राइटर्स अभी 36,000 पे ट्रैप हैं। तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है, पैसे सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारी शॉर्ट कवरिंग मूव के लिए हमारे चांसेस बन रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी की, ओके निफ्टी की अरे हमारे ट्रेडिंग लेवल्स में, निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता फिर भी देख लेते हैं। देखिए भाई मार्केट खुला ऑन द अपसाइड, उसने रिजेक्शन मिला 17,015 के लेवल से, और इसने एक थोड़ी छलगी सी फुल्की सी रैली दी, वापस रिजेक्शन कहाँ से लिया, सेम लेवल से रिजेक्शन लिया, ऑन द डाउन साइड कहाँ तक आया 16,954 तक आया, वहाँ से वापस सपोर्ट लिया ऊपर तक गया, अब की बार वापस अपर रिजेक्शन मिला उसको 17,053 के रीजन से, वहाँ से फिर से उसने डाउन मूव दिया और फिर उसने ब्रेकआउट दिया,
ये ट्रेंड लाइन को जो हमने अवली ट्रेंड लाइन से, कौन सी ट्रेंड लाइन है वाली, हाँ अवली ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो कर रहा था उसके अराउंड ही। वजह से जब से इसने सब मोमेंटम दिया तो मोमेंटम कहाँ तक दिया हमारे 17,050 के लेवल तक इसने दिया, उसी के ऊपर सस्टेन किया। तो चलिए जो भी बात थी वो तो थी, इससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 4 महीने के लिए ट्रेडिंग लेवल्स क्या है। तो कुछ नहीं, हम वही करेंगे अपना जो डे का हाई था, डे के हाई को मार्क कर लेंगे, डे के लो को मार्क कर लेंगे। ये हमारे हो वाइड ट्रेडिंग लेवल्स, इनके ऊपर जब जाएगा तो 100 टू 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में, 50 टू 60 पॉइंट्स जो भी है हम लोग निफ्टी में कैप्चर करने के लिए अटेम्प्ट ले सकते हैं। पर हमको देखना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम लोग ऐसे ट्रेड्स लेंगे। उसके अलावा ठीक है, 17,090 ऑन द अपसाइड और 17,052 ऑन द डाउन साइड टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव बायस में आना है। 17,091 टूटेगा तब हम पॉजिटिव बायस में आएंगे, 17,111 टूटेगा तो ट्रेड बनेगी, 17,052 टूटेगा, 17,050 टूटेगा तो एक नेगेटिव बायस में आएंगे, 17,018 टूटेगा तो एक नेगेटिव ट्रेड बन सकती है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा निफ्टी तो सिंपल ही रहता है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है इतना। चलिए हमने देख लिया, बात कर लेते ओपन इंटरेस्ट की, ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं हमारे प्राइस सेक्शन को, देखिए ओके okay. 17,050 पे अभी बैठे हुए हैं। अभी मार्केट चल रहा है कहाँ पे, 17,060 पे चल रहा है, 70 पे। तो 17,000 पे जो अभी 66,000 हमारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ना, ये चल रहे हैं अभी घाटे में, क्योंकि मार्केट है इनके कॉल राइटिंग जो इनकी पोजीशन है इसके ऊपर, तो इनका कर रहा है प्रीमियम स्पाइक। तो अगर मार्केट और ऊपर जाता है और सस्टेन करता है ऊपर, तो एक टाइम आएगा कि इनको अपना स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा और उससे हमको मिलेगी शॉर्ट कवरिंग मूव। अभी दो रीज़न हो सकते हैं इनके यहाँ पे ऐसे पोजीशन बनाने के। पहला रीज़न ये सेम टू सेम एनफिटी जैसा, या तो इनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि भाई ये लोग बड़े लोग हैं, इनको ऑपरेटर्स लोग होते हैं, इनको सब पता है मार्केट बढ़ाते ही जाते ये लोग हैं। दूसरी बात कि अभी दो तीन दिन बाकी हैं एक्सपायरी के, तो इनके पास काफ़ी इनफ टाइम है सोचने का कि हमको पोजीशन के साथ करना क्या है, इसलिए इन लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पे होल्ड कर रखी है। हो सकता है कि कल मार्केट गिर जाए और ये लोग प्रॉफिट में हो जाए। तो 17,050 पे जो हमारे 18,000 बैठे हुए हैं और 17,200 पे जो हमारे 60,000 पुट राइट कॉल राइटर्स बैठे हैं, 17,100 पे हमारे जो 64,000 कॉल राइट बैठे हैं, यही हमारा ऑन द अपसाइड 100 और 200 पे जो हमारे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 17,000 पे जो हमारे 115,000 हमारे बैठे हैं जो पुट राइटर्स, 17,000 वहाँ पे 17,000 पे, बिल्कुल 17,000 पे बैठे हैं जो, वो हमको हमारा एकदम पक्का बिल्कुल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखिए ऐसे मौके पे क्या हो रहा है, हमारे पास ऑन द डाउन साइड बिल्कुल अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 115,000 हमारे पुट राइटर्स बैठे हैं जो बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी कंपैरेटिवली जो हमारे कॉल राइटर्स हैं उनकी संख्या इतनी, उनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है, इसका मतलब नीचे तोड़ने में उनको मुश्किल होगी, सपोर्ट हैवी है। अब ये हो चुका है, फंस चुके हैं ये हमारे 60,000 हमारे बैठे हैं यहाँ पे फंस चुके हैं, तो चांसेस है कि हम लोग को एक अच्छी खासी ऊपर मूव मिले, अनलेस इनकी जो क्वांटिटी वो भी कल के दिन या फिर ऑन द कमिंग डेज बढ़ जाए, इनसे ज़्यादा हो जाए इनको टक्कर देने के लिए। जो अभी करंट सिनेरियो में तो लग रहा है कि फंस चुके हैं, मार्केट और ऊपर जाना चाहिए, पर यू मे नेवर नो कि आगे होने वाला क्या होने वाला है, कुछ हो सकता है। लोग यहाँ पे पागल नहीं बैठे, जो लोगों ने जो यहाँ पोजीशन बना रखी है तो ये लोग पागल नहीं है, कुछ ना कुछ ना सोच के बनाई होगी, बाकी बाद में पता चल जाएगा हम लोग को, जो भी एनालिसिस था आपने देख लिया है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमारा एनालिसिस क्या है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या है। आपको जब 4 तारीख को मार्केट खुलेगा तो आपको कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना है, आपको बस आइडिया रहना चाहिए कि मार्केट का अभी हालात क्या है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या है, कैसे कैसे मूव बन सकते हैं, पर वो मूव्स कब लेने हैं, आपको कंफर्मेशन के साथ लेना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट किस तरफ जाने में जाता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसा बैठ रहा है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great.